नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सिविल प्लस आईटी टेक्नो। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं मेट्रो पुणे प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो फर्स्ट ट्रायल किया गया था उसके अलावा यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं जो कि फर्स्ट ट्रायल हुआ था जनवरी 2021 में। दोस्तों, ये जो ट्रायल किया गया था ये हमारा संत तुकाराम स्टेशन से लेके स्वरगेट लाइन पन के बीच में किया गया था, जो कि स्मूथली कंप्लीट हो चुका था। ठीक है दोस्तों, तो उसके अलावा जो दूसरा ट्रायल किया गया है वनज और रामबाड़ी स्टेशन के बीच में, वो अभी जुलाई 30 के बीच में किया गया है, जो कि सक्सेसफुल हुआ और इसका जो डिस्टेंस था वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 किलोमीटर के बीच में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं जो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जिसको महा मेट्रो भी कहा जाता है, ने अभी जो इन स्टेशन पे जो डिज़ाइंस लागू होने वाले हैं, जो डिज़ाइंस इनके बनने वाले हैं, वो 4 तरीके के डिज़ाइन होने वाले हैं, जो कि 25 स्टेशन के लिए लागू किए जाएंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो ये स्टेशन के डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है प्रकृति और ऐतिहासिक चीज़ों से, जैसे कि मालवा पगड़ी जो कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा पहनी जाती थी और उसका यूज़ किया जाता जो कि उस टाइम पे परंपरा में आई थी। उसके अलावा जो सभी स्टेशन हैं उन पर फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, जो कि स्पेशली एबल्ड पीपल्स के लिए काम में लिए जाएंगे, जो होंगे शारीरिक तौर पे थोड़े कैपेबल नहीं होते या स्पेशल लोग जिनको कहा जाता है उनके लिए अभी फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे मेट्रो स्टेशन के लिए। महा मेट्रो के हिसाब से 25 स्टेशन जिनकी दूरी लगभग 33.28 किलोमीटर है, जिसको 33.28 किलोमीटर भी कहा जाता है, 4 डिज़ाइन के बनाए जाएंगे। दोस्तों, जो डिजाइनिंग पे की जाएगी स्टेशन पे वो अप्रोक्सीमेटली हमारे 4 डिजाइन की, जो कि प्रकृति और इतिहास से रिलेटेड होंगी। ठीक है दोस्तों, जिनकी थीम पगड़ी है, जो कि 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रपति शिवाजी के द्वारा पहनी जाती थी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, ये जो डिज़ाइन स्टार्ट की जाने वाली दोस्तों वो वनज से लेकर रामबाड़ी कॉरिडोर के बीच में की जाएगी। संभाजी पार्क और डेकन मेट्रो को स्टेशन पर जो पगड़ी थीम है वो लागू की जाएगी। बाकी बचे हुए मेट्रो स्टेशन पर इंडस्ट्रियल बैंड स्टाइल डिज़ाइन का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, इंडस्ट्रियल बैंड डिज़ाइन के बारे में आपको बता दूँ, जो इंडस्ट्रियल बैंड डिज़ाइन होते हैं वो बेसिकली होते हैं जैसे कि आपको नॉर्मल दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन बने हैं वहाँ पे जैसे डिज़ाइन बनाए गए हैं उसी तरह के डिज़ाइन यहाँ पे भी लागू किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे संभाजी पार्क और डेकन जो मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा वहाँ पे जो पगड़ी थीम है जो कि शिवाजी के द्वारा यूज़ की जाती थी उस पे लागू की जाएगी, उसी तरह उसकी डिज़ाइन जो है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा PCMC और खड़की के बीच आने वाले मेट्रो स्टेशन पर ऑर्गेनिक स्टाइल डिज़ाइन का प्रयोग किया जाएगा। ऑर्गेनिक का मतलब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो कि ओरिजिनल फेस शेप में होती है या फिर उसकी ओरिजिनलिटी ओरिजिन होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं शेप लीफ के आकार की होगी, पत्ते के आकार की, या ग्रीन होगा या ग्रे हो सकता है। दोस्तों, जो भी इसकी जो ओरिजिनलिटी होगी वो इसमें लागू की जाएगी, जिसमें अलग अलग तरीके के कलर्स का प्रयोग किया जाएगा जो कि वाटर, अर्थ और मेटल से इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, वाटर, मेटल और अर्थ से इंस्पायर्ड होंगे, उसी तरह के इसमें जो है वो स्टेशन पे डिज़ाइन का यूज़ किया जाएगा, जो भी कलर इसमें यूज़ किए जाएंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये जो प्रोजेक्ट है वो अभी 2021 में कम्प्लीट होने वाला था, लेकिन COVID-19 की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो 2021 में कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए इसको 1 साल एक्सटेंड किया गया है, जो कि अभी 2022 में इसकी कंप्लीशन डेट बता रहे हैं, जो कि बहुत पास में है। तो होपफुली ये जो है वो काम में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ है वो आपको ईजिली मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।